कुंभ की इस एनर्जी की, जो इस वक्त ये पूरा एक एक इतनी अच्छी ऊर्जा में हम लोग प्रयागराज में हैं, हम आपसे बयान नहीं। शिव तांडव मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों ने 600 फिल्मों में हर भाषा में देखा है, इस देश की हर भाषा में मैं काम करता हूँ, साउथ से लेके हर भाषा, भोजपुरी पहचान है मेरी माँ की बोली। आज ये मैं पता नहीं क्या, मैं संस्कृति विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनको ये न्योता दिया कि आप कुछ करिए और शिव तांडव हमारे जहन में आया। शंकर विष बड़ा अड़भंगा है, भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना रचने में महादेव हमारा साथ दिए, हम रचना रचे, इसकी मेहनत किए, देश को जन्माए, विश्व को जन्माए इस भाषा को। आज 50,000 से ज़्यादा परिवार का चूल्हा जलता है और इस भोजपुरी को हम जन्माए, भोजपुरी ने हमको जन्माया, तभी हम बोले जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, जो एक नारा की तरह देश में गूंजा। और आज भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है कि हर हिंदी सिनेमा में अब भोजपुरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, सीरियल्स बन रहे हैं, भोजपुरी को लोग पसंद कर रहे हैं। पहले भोजपुरी एक गाली थी, आज भोजपुरी को सम्मान से देखा जा रहा है क्योंकि ये हमारी माँ की बोली। हम लोग 30 करोड़ लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं पूरे विश्व में, द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। अमिताभ बच्चन साहब ने, महानायक साहब ने हमको महानायक की उपाधि दी और दिलीप कुमार साहब ने हमारे साथ भोजपुरी फिल्म बनाई, कहे कि रवि तुम रुलाते हो, तो उनको ऐसा ऐसा आशीर्वाद ऐसे ऐसे दिग्गजों से मिला है। और देश प्यार करता है और देश तमिल में भी देखता है, तेलुगु में भी हमको देखता है, भोजपुरी में भी देखता है, हिंदी में, अभी वेब सीरीज रंगबाज सब लोग देख रहे हैं और टेलीविजन में देखा है, बिग बॉस में, रियलिटी शो में देखा है, डांस शो में देखा है। आज पूरा कुंभ, आज पूरा देश हमको शिव तांडव करते हुए देखेगा इस महाकुंभ में। और ये आज की रात एक महादेव चाहेंगे ऐतिहासिक रात होगी, जो एक सुनहरे पन्नों पर इस प्रयागराज की धरती पे महादेव स्वयं लिखेंगे। नमः पार्वती पते हर।